नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, घर का खाना सेहत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे तोरी की सब्जी। गर्मी के मौसम में हर कोई ऐसा खाना पसंद करता है जो हल्का भी हो, बहुत टेस्टी भी, और साथ में जल्दी पच भी जाए। तोरी की सब्जी भी उन्हीं सब्जियों में से एक है जो हल्की भी है, टेस्टी भी, और साथ में सेहतमंद भी। दोस्तों, तोरी की सब्जी का असली मजा तो तभी आता है जब ये बिल्कुल ताज़ी हरी तोरी से बनी हो। दोस्तों, जब भी आप सब्जी मंडी जाए तोरी खरीदने के लिए, तो तोरी को आप देख लें एक बार अच्छे से कि तोरी बिल्कुल ताज़ी हो, हरी हो दिखने में। तोरी को एक बार आप हाथ में दबा कर देख लें, दबाने पर अगर वो दब नहीं रही है तो तोरी बिल्कुल ताज़ी है। अगर वो बहुत ज़्यादा दब रही है तो उस तोरी को आप ना लें। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो हमने आपको इसमें बताई है तोरी खरीदने की। दोस्तों, तोरी की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तोरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए करीब 1 किलो तोरी। तोरी को छीलने से पहले एक बार अच्छे से धो लें, इसको हमने पहले से धो के रखा हुआ है। दोस्तों, तोरी छीलते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप तोरी छीलें तो बिल्कुल हल्के हाथ से तोरी छीलें। जरा सा भी आपने तेजी से तोरी छीली तो तोरी आपकी टूट जाएगी, क्योंकि तोरी बहुत ही हल्की होती है, बहुत नाजुक होती है तोरी। तो जब भी आप तोरी छीलें तो हमेशा हल्के हाथ से ही तोरी छीलें। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है तोरी छीलने की। तो इसी तरह से हम बाकी की बची तोरी को भी छील लेंगे। हल्के हाथ से हमें तोरी को पकड़ना है और हल्के हाथ से हमें तोरी को छीलना है, इस बात का ध्यान रखें तोरी छीलते समय। तोरी छीलने के बाद अब हम इसे पानी से अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे। तो चलिए, तोरी को अब हम धो लेते हैं अच्छे से। दोस्तों, तोरी हमारी धुल चुकी है और बारी आती है इसको काटने की। तो चलिए इसे काटना शुरू करते हैं। तोरी को काटते समय सबसे पहले हम तोरी के ऊपरी सिरे में कट का निशान लगा देंगे इस तरह से, ताकि जब हम तोरी काटें तो 4 टुकड़ों में कट के आए। तो तोरी में हमने इस तरह से निशान लगा दिया, और ये देखिए जब हम काट रहे हैं तो 4 टुकड़ों में तोरी कट रही है। तोरी को हमने ना ही बहुत ज़्यादा मोटे टुकड़ों में काटना है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में। तो इसी तरह से हम बाकी बची सभी तोरियों को भी काट लेंगे। तोरी कट चुकी है। तोरी काटने के बाद अब हम लेंगे एक पतीला, और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल को गर्म कर लेंगे। वैसे तो आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं जो भी आप खाते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बनी सब्जी का तो स्वाद ही अलग होता है। इससे सब्जी बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तेल गर्म हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। जब कलर चेंज हो जाए, धुआं उठने लगे, तो इसका मतलब तेल आपका गर्म हो गया है। गैस की आंच को हम कम कर लेंगे ताकि इसमें जो भी मसाला डालें वो बिल्कुल भी जले ना। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरे को कुछ सेकेंड्स भून लेंगे। जीरा हमारा भुन गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज बारीक कटे प्याज, और इसको एक बार घुमा लेंगे अच्छे से, और इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज को हमें हल्का ही ब्राउन करना है, क्योंकि हम इसमें लहसुन भी डालेंगे, उसे भी हमें भूनना है, और उसे जब हम भूनेंगे तो उसके साथ प्याज भी भूनेगा। और अगर हम प्याज को ज़्यादा भून लेंगे तो लहसुन डालते वक्त जब हम लहसुन को भूनेंगे तो प्याज इसमें और ज़्यादा भून जाएगा और वो प्याज जल जाएगा। तो इसलिए हमें प्याज को हल्का ब्राउन करना है, ताकि जब हम लहसुन का पेस्ट डालें तो लहसुन भूनने के साथ साथ प्याज भी हमारा भून जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन, और इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। जब लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब लहसुन भून गया है। लहसुन हमारा भून गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक 1 चम्मच, और साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्च, और इसे भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन है जो भी वो भी निकल जाए। गैस की आँच को कम में ही रखें, क्योंकि कम आँच में ही मसाले बहुत अच्छे से भूनते हैं। तो फ्रेंड्स, प्याज अदरक लहसुन सब अच्छे से भून गया, तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज कटे टमाटर। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच स्वादानुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर,
आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, आधा छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च। तो अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छे से भून लेंगे कम आंच में, और बीच बीच में से चेक भी करते रहेंगे। 2 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाले अच्छे से भुन गए हैं। इसको एक बार हम चला लेंगे मसाले को, बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे तोरी। तोरी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पहले हम थोड़ा तोरी डाल देते हैं इसमें, और अब हम इसे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। गैस की आंच को हम बिल्कुल कम में ही रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे तोरी को, और अब हम इसमें बाकी की बची तोरी भी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों में। देंगे इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि तोरी पानी छोड़ती है, और इसे ढककर कम आंच में 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम सब्जी को चेक भी करते रहेंगे। दो मिनट हो गए, सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तोरी ने कितना सारा रस छोड़ दिया है जबकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। दोस्तों ये अभी पकी नहीं है इसलिए और भी सारा रस छोड़ेगी। दोस्तों जब भी आप तोरी की सब्जी बनाए तो इसमें आप बिल्कुल पानी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि तोरी वैसे ही बहुत सारा रस छोड़ती है। और ढककर 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्जी को बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे ताकि तले में बिल्कुल लगे ना और इसके पकने का भी पता चलता रहे। फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए, सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पता चल रहा है देख के कि तोरी हमारी सॉफ्ट हो गई है, तो इसका मतलब हमारी सब्जी बन गई। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया और इसे सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सब्जी को एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया सब्जी का और कितनी टेस्टी लग रही है सब्जी। देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब्जी कितनी कितनी टेस्टी होगी। दोस्तों तोरी की सब्जी हल्की और जल्दी पच जाने वाली सब्जी तो होती है, साथ में ये बहुत बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। थोड़ा हरे धनिया से गार्निश कर लेते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी तोरी की सब्जी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल घर का खाना सता खजाना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो घंटी का बटन उसे भी ज़रूर बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बनाइए और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार, टेक केयर एंड बाय।